हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित, बिंद्रोली गांव का निवासी। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको एक सामाजिक मुद्दा जिसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी दर्शाया गया है। चलो हम इस विषय पर बात करते हैं कि समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। समस्याएं मेरे मानने में दो प्रकार की आती हैं कि एक व्यक्तिगत समस्या, एक सामाजिक समस्या। व्यक्तिगत समस्या हमारी जो होती है कि उसे हम अपने आप तक ही सीमित रख पाते हैं और उस व्यक्तिगत समस्या का प्रभाव हम तक ही होता है। उस व्यक्तिगत समस्या में हम जिसे शामिल कर सकते हैं, जैसे हमारे रिश्ते फैमिली के साथ कैसे हैंगे हम, कैसे कैसे हमारा व्यवहार क्या हैगा, हमारे घर के अंदर क्या, वो एक घर के अंदर ही रहता हैगा, तो उसका प्रभाव हमारे घर के अंदर रहता हैगा। पर दूसरी तरह की समस्या होती है, वो होती है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या का प्रभाव जहाँ तक हमारा मानना है कि वो किसी एक एक विशेष व्यक्ति पर न हो कि वो हम समाज के सभी व्यक्तियों पर होता है। तो उन सभी इस उसी सामाजिक समस्या को लेकर हम आपके सामने ये एक शॉर्ट वीडियो, यू कैन से एक छोटी सी फिल्म बना के दर्शाई गई है। उसमें कुछ दृश्य हैंगे जिसमें जो आपके मन को झंझोर देंगे कि एक 21वीं सदी में एक गांव की हालात, स्थिति कुछ ऐसी भी हो सकती है। हमने कुछ 7-8 एवरेज 8-9 के करीब तालाब, तालाब यू कैन से इन हरियाणा जोड़ हैंगे जिनके में गंदा पानी का वो होएगा। और हमारे जैसे जैसे मैंने आई हैव डन द रिकॉर्डिंग, वहाँ पे कुछ सबसे पहली समस्या ये आती है कि इनका आज तक 1952 से लेकर जितने भी हमारे सरपंच बने हों या फिर एमएलए बने हों या फिर कोई ये अपने को ये अपने आते हैंगे एम विधायक से ऊपर जो होते हैं, विधायक से ऊपर क्या होते हैं, मैं आई फॉरगॉट, ओह माय गॉड, विधायक से एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमपी आई गॉट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होते हैं ये सांसद इन हिंदी, ओके आई गॉट हिंदी, सांसद, सांसदों ने इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आदर्श गांव, गांव से हर साल आई थिंक ये गांव गोद लेना होता है और इनके द्वारा जो लिए गए गांव हैं उनमें क्या विकास हुआ है। आज की इस स्थिति जो चिंता का विषय ये है कि हमारे मतदाता जो है, जो इन्हें इलेक्ट करते हैंगे, मतदाता जो है वो गांव में ज़्यादा है, गांव की संख्या ज़्यादा है और शहर जो है उनमें शहरों की संख्या का जनसंख्या किसी कहीं कम है कि उनके मतदाता कम है उन, बट उनकी सुविधाएं ज़्यादा हमसे। और जबकि जो उन इनका जो इलेक्ट इलेक्टेड हम करते हैं इन्हें, हमारी जो हैगी सुविधाएं इनसे कुछ, इनसे ना, इनके कंपैरिजन में हमारी सुविधाएं ना के बराबर हैं। तो ये विषय हमारे जहन में इस प्रकार से आया कि क्यों ना इसे एक सोशल, एक सामाजिक मुद्दा बना कर हर लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब कुछ करके देख लिया, सबसे आग्रह करके देख लिया कि आप कुछ इसका समाधान कीजिए, बट वहाँ से कोई ठोस विश्वास जिसे कहते हैं कि हाँ हाँ आपको लगे कि आप कि हाँ ये काम हो जाएगा, बट किसी भी जगह से एक विश्वास पत्र जवाब नहीं आया। ये सब एक, ये राजनीतिज्ञ सब अपना अपना एक फायदे स्वरूप में लेके चलते हैं हर एक चीज़ को। कुछ करने से पहले हर चार बार सोचते हैं कि हाँ ये मेरे को फायदा देगा या नुकसान देगा ये, बट एक सामाजिक मुद्दे को इस तरह से एक राजनीतिक रूप दे देना ये बहुत ही चिंता का विषय हैगा। चलो हम अभी इस विषय पे बात करते हैं कि इस जो ये गांव में गंदे तालाब हैं इनका निवारण होना क्यों आवश्यक है। पहली, सबसे पहली समस्या कि ये गांव में गंदगी के कारण बने हुए हैं। इनके उन घरों से जाके पूछे जिनके घरों के पास ये तालाब हैंगे। आप
रेनी सीजन जब होगा इतनी गंदगी इतनी बदबू आती हैगी जनाब आप सहन ही नहीं कर पाओगे। दूसरा रीजन गंद, ये एक सांपों के रहने की जगह हैगी, तालाब हैगा आसपास में डेंजरस जो खतरनाक जीव प्राणी की आप कह सकते हैं वो रहते हैंगे, उनके रहने से वे लोगों के अब नालियों के द्वारा घरों में प्रवेश करते हैं। अगर जो वे घर में प्रवेश करते हैं तो इसमें एक अगर जो आपके कोई बड़ा व्यक्ति घर में है तो एक अलग विषय हैगा, पर यदि नहीं हैगा तो एक बच्चे के लिए उसने उस जीव या प्राणी से टैकल करना या वो लेना बड़े ही एक चिंता का विषय हैगा। इसको हम कर ही नहीं सकते क्योंकि उस प्राणी दोनों की अपनी जीवन बचाने की होड़ लगेगी। यदि आप एक एग्जांपल लेके चलें कि एक सांप ही आता है तो या तो आपने सांप को मार दिया तो आपका जीवन हैगा, नहीं तो सांप अपने आप को बचाने के लिए आपको मारेगा, सीधा सा विषय यही हैगा। और लोग कितने बड़े बड़े वो कुछ भी कर लें बट फोड़ डाल लेते हैं वो कर लेते हैं, बट एक सीजन में उनका अपना वे अपने शिकार की तलाश में घरों में आते ही आते हैं। उन घरों की में ये समस्या सबसे बड़ी हैगी और ये गांव की भी समस्या, क्योंकि वो तो वहाँ नहीं मिला तो वे और अंदर प्रवेश करते हैंगे। अब तीसरी सबसे बड़ी कारण ये हैगा कि जो इन ये जो जोड़ ये जो तालाब हैंगे इनकी खुदाइयाँ एक एक जो कई जोड़े खुदाइयाँ भी हो चुकी हैं तो इनमें दोबारा गंदा पानी बढ़ गया तो फिर उसमें अब की दलदल और कीचड़ की तरह हो रहा है। एक शुरुआत में जो मैंने तालाब दिखाया उसमें कुछ ग्रीनरी भी हैगी तो उस उन तालाबों में होता क्या हैगा, जैसे भी कोई गाय भैंस या कोई भी अन्य भेड़ बकरी जो भी है वो चारे की तलाश में अपने खाने की तलाश में उन तालाबों के अंदर प्रवेश करती हैगी। जैसे ही प्रवेश करती है उसे नहीं पता होता था कि किस उसमें जा रही है, बट चिंता का विषय यह है कि एक जो प्राणी का बोल नहीं सकता उस को हमारे द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कार्य हमारे द्वारा किए गए कार्य हैंगे। अगर जो हम ना करते तो ऐसे कोई समस्या उत्पन्न ही ना होती, बट हमने ये किया हुआ है तो ये एक बहुत ही जघन्य हम ऐसे एक अपराध के रूप में तो देखते हैं। किसी की भी हत्या किसी की भी मृत्यु इस वजह से हो जाती है। वो एक वाक्य शायद हुआ था कि जैसे कोई शूर रात के टाइम फंस गया था तो वो सुबह के टाइम लोगों को देखने में आया तो तब तक उसके भगवान को प्यारे हो चुके थे वो। हमने मैम तो हमारा कहने का अभिप्राय यही हैगा कि लोग इस चीज़ को एक हल्के से उसमें कि क्या है ये कि तुम्हें बड़ा जल्दी वो तुम्हारे ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है ये हो रहा वो हो रहा, हमें नहीं हो रही, हम तो अपना हमें ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं हो रही, बट तकलीफ आने वाली पीढ़ियों को और ज़्यादा होगी और इस ये इशू क्रिटिकल बन जाएगा अगर जो इस पर ना कुछ किया गया तो। और लोग को एक ये कि गांव की सभ्यता को भी बिगाड़ने का, गांव किस लिए जाना जाता है, गांव अपनी स्वच्छता सुंदरता और आदि के लिए जाना जाता है तो अगर यदि गांव में स्वच्छता ही नहीं होगी, हमारे मोदी साहब स्वच्छता 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 कह के मर लिए और गांव में अब स्वच्छता में वीडियो की शुरुआत में लिखा हुआ है क्लीननेस ऑफ ए विलेज तो उस स्वच्छता को दर्शाया भी गया है। शायद आप लोगों से बस यही अनुरोध रहेगा कि आप इस लोगों इस जो वीडियो को आप थोड़ा सा अपना सहयोग दें अपना प्यार दें लोगों तक पहुंचाएं
जो इसके इस विषय में हमारी मदद करना चाहे, हमसे जुड़ना चाहे, वो आगे आए। इसके लिए हम अभी बहुत कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो एक छोटा सा हमारे से जितना बन पा रहा है, ये हमारा एक प्रयास है। हम कहते हैं वे एनजीओज कहाँ पे हैं जो एक छोटे से वे मानव अधिकार के लिए इतना कुछ कर देते हैं? क्या ये लोगों के ये अधिकार नहीं है? स्वच्छता का अधिकार लोगों का नहीं हैगा? तो अब वो एनजीओ दिल्ली के बड़े से बड़े एनजीओज कहाँ पे हैं? मैं लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ। आप एनजीओज कौन सा सबसे बड़ा वो हैंगे, आप आइए ना, सामने आइए। आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों की जो पीड़ा संवेदना जो हैंगी उनका समाधान करेंगे। बट मेरे को पता है कि एक मेरे को इसी बात से एक वाक्य याद आ गया मानवाधिकार से, कि जब एक कश्मीर में जब एक पीड़ित जो एक जो आतंकवादी को मारा गया, वो मार के जब घसीट के लेके जा रहे थे, वो एक शव था, उसके समर्थन, एक शव के समर्थन में इतने मानवाधिकार संघ एनजीओ जो पता नहीं क्या से क्या आगे, ये तो गलत हैगा। अरे भाई साहब, जब वो एक जो जो सबसे पहले जो इंसान था उसने क्या करामात की थी, क्या आप उस समय उपस्थित थे? नहीं थे। तो आप अपने देश के उन व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय एक आतंक के समर्थन में आ जाते हैं, तो वो एक बड़ा ही चिंता का विषय हैगा। तो आपसे अनुरोध है, एनजीओज हो चाहे कोई भी लीगल एंटिटी हो, आपसे अनुरोध है कि इस कार्य में आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमें आपके सहयोग के बिना ये कुछ कुछ है ही नहीं। ये एक बस हम भी फिर अपने उसमें व्यस्त हो जाएंगे कि भाई ये ऐसे कुछ करने से, कुछ होने से तो रहा नहीं। हम इसे सबको ज्ञापन सौंपा जा चुका है, बस एक विचारात्मक एक विचार विमर्श करना चाहते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है का। तो आप लोग अगर इस चीज़ में सहायता करेंगे तो हमें सहायता नहीं, हमें आपके सहयोग, आपके जो विचार हैं, जो हमसे बड़े बड़े हम तो एक विद्यार्थी के रूप में हैं, हमसे बड़े बड़े जो लॉज किए हुए हैं, जज हैं, जो अभी भी समाज सेवा में उपस्थित हैं, कि उनसे हमारा अनुरोध है कि आप आगे आइए। इन ये एक क्रांति के रूप में लेना चाहिए हमें, कि स्वच्छता कि लोगों का अगर जो सरकार न सुनवाई करे तो हमें भी एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इसका अवबोध कराना आवश्यक है कि आपके लिए सर्वप्रथम जनता है, अन्यथा आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देख आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की प्रार्थनाएं, आप लोगों की जो जो भी आपसे बन पड़े, आप अपने बाय डूइंग वन क्लिक ऑन शेयर बटन, आप इस पे शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को भेजिए, शायद वहाँ से कहीं एक, हम इसे चाहते हैं कि एक विश्वव्यापी स्तर पर यह फैले, क्योंकि इसका फैलना बहुत आवश्यक है। अगर ये भी नहीं हो पाया क्योंकि हम मानते हैं कि नकारात्मक चीज़ें फैलती हैं, बट हम इस मिथ्या को हम जल्दी नकारात्मक चीज़ें जल्दी फैलती हैं, बट हम इस मिथ्या को ख़त्म कर देंगे। हम ये सकारात्मक सोच का एक सकारात्मक संदेश है, का सकारात्मक क्रांति है, कि हम इसे चाहते हैं कि ये सर्वप्रथम सब सब जगह फैले। आज देश में जो विषय चल रहे हैं वे भी आवश्यक हैं आपके लिए, आप उन पर भी अपने विचार विमर्श कीजिए। लोगों के आते हैं SMS कि आप मैसेज आते हैं कि आप इस पे कॉल कीजिए, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, और वो केंद्र सरकार, वो उनका अपना विषय है, हम उनमें इतना मैं
इतने बड़े ज्ञानी हम हैं नहीं कि हम उस विषय पे अपना कोई वो रख पाएँ, और ना ही हमने उनको इतने अच्छे से अभी पढ़ा है। बट हमारा जो ये हैगा, ये अपना राज्य सरकार का विषय हैगा और ये एक पंचायती विषय हैगा। तो इसमें कितना क्या किया जा सकता है, किसकी तरफ से किया जा सकता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ समाज सेवाएँ करती हैंगी। ये हमारे साथ में ही, हमसे आई थिंक 6 से 7 किलोमीटर ओ पी जिंदल यूनिवर्सिटी हैगी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो। तो वो एक यहाँ से कुछ ले जा रही है, तो वो समाज के लिए क्या कर रही है उसका हम उनसे भी, हमारे नवीन जिंदल साहब से भी ये एक प्रार्थना, एक विनम्र निवेदन है कि आप भी इस मुद्दे पर थोड़ी सी अपनी प्रकाश में, अगर जो ये आए तो आप अपना थोड़ा अपना भी पक्ष रखने का प्रयास करें, ताकि लोगों को ये एक संदेश जाए कि हाँ भाई, कि एक सकारात्मक, अगर जो आप कोई कार्य करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो भी सकारात्मक होगा। इससे ज़्यादा मैं और मैं कहने के लिए क्या हैगा, बस आप लोगों का सहयोग से प्यार प्रेम और बना रहे। आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और आगे बढ़ाते चलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित बिफोर यू एंड आई एम द नेटिव ऑफ विलेज बिंद्रोली। At present, every human being has a problem. In this, there are some personal problem and some are social problem. In this, we are describing personal problem. In this personal problem, we include economical problem, how we relation, how our relation with the family, and personal problem affect you and your family only. But when we come to the social problem, if it includes issue which affects everyone in this social environment, at our village there is only one major social issue, which is the drainage system of the village. The drainage system of the village is into the village, not outside of the village, because all the dirty water left in village. We are making the video to show you how pitiable condition of this village. Everybody is suffering a lot due to some creditable people who doesn't want this village to be free from the dirtiness. There are some issues. There are so many things that we want to say, but it will take a lot of time, but we will try to brief it in a, and in this short video we are going to show the pond of the village, and the village is suffering from that. So stay with us, we are going to tell you everything and more about this. We have done all this thing that we can do legally, but there is no response from the legal entity. They just ignoring it, and some electoral bodies are just not supporting this because their vote will be reduced. So there are so many reasons that people are not doing anything to overcome this issue. They're just chal raha hai, chalne do. So we are not going to left this. Either we have to do anything, or we are going to take this issue every way, her, and we are not letting down the any upper our upline, like any our sub, our upper body. But if you have any suggestion about this, that how we can tackle this problem, you can tell us. There are number in the last of the video, you can tell, you can give some suggestion. It will be lifetime for
favor for us, if you help us by doing this. Let's come to the point that why the ponds should not be in the village. There are some reason which we are going to explain. All these ponds create dirtiness in the village. Due to this, people are not able to get pure environment. Pond is surrounded by some houses, so the houses are not able to get pure air. They get smell dirt, and of that house they get disturbed in rainy season. In rainy season there are lot of smell comes from that pond. And the second reason we are going to take is that animals, that we can say the animal who are always moving in search of food, they saw greenery in that pond and they entered to the that pond. They got stuck in the mud. Some cows are saved by the villagers if they saw, but this everybody is not lucky. Some got stuck and they arrived at the heaven. In our selfishness, we are not doing injustice. We are not doing justice to the animal and the we say the Gau Mata. People who do charity, a lot of charity for the Gau Mata, but on the ground we are seeing this, that the Gau Mata is getting more suffering from this. And these ponds are the house of snakes and other dangerous animals. Sometimes they entered in the house in search of food, and if they are killed by the people, then the people got their life. But if the snakes and any other dangerous animal, you can assume that if the animal is not killed, the man will be the killed by the animal. So it is the average. So it will be the third region. Let's come to the fourth region. Fourth region will be due to bad drainage system. When it rains, streets are full of dirty water, which makes people annoyed, and there are overflow of we can say sewerage, and in I don't even know English of that, we can say in Hindi nali and all that. But these four are the basic reason. There are so many reasons you can say, but we just appeal you to only share this video to every group, and everyone should be aware of this. This is not one's issue. This is a social issue. A social issue should be shared by everyone, not only by one man. If you share this, I think you are doing a well said work. You are doing social work by just your one click on share button. So if you think that this is our hard work to make this video, and we have take any minutes, all you can say is we are the devil of the village by doing this. So but just one appeal to you, that if you think that it should be a worthable thing, you please say this and let the people know. My English is not so good, but I will try to give my best. So stay tuned. Goodbye. Bye-bye.
ये नहीं चाहिए, हमें प्ले ग्राउंड या पार्क चाहिए है।